गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड द सिनोनिम्स ओके सिनोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग और इन लास्ट वीडियो वी हैव रेड अबाउट द एडवर्ब ओके वी हैव कंप्लीटेड एडवर्ब चैप्टर ऑल्सो इन दैट चैप्टर वी लर्न टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑल्सो ओके सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोके पार्ट दिस इज सिनोनिम ओके सो let's see synonym first we will see what is the definition of synonym okay a synonym is a word that means the same as another word in the same language okay student iska same meaning hota hai theek hai like ye words hai yahan pe ye dekho let's see here These are words and these are synonyms. Okay. ये synonyms आपके ठीक है students. आपको यहाँ पे synonyms लिख देना आप ठीक है So let's see first angry. Angry means इसी का same meaning ये भी है furious. Furious angry means नाराज और furious means भी नाराज होता है बहुत गुस्से में होना ठीक है ना इस तरह से Bold, daring, okay, brave. Courageous ये सारे वर्ड बिल्कुल सेम हो मतलब कि इनका मीनिंग बिल्कुल सेम हो ओके ब्रीफ ब्रेव मीन्स बहादुर करेजियस ओके यू कैन से करेजियस ऑल्सो ब्रीफ मीन्स शॉर्ट आप बोलते हो ब्रीफ नॉलेज कि आपको शॉर्ट नॉलेज जो भी संक्षिप्त आप उसको बोल सकते हो कि आप में शॉर्ट नॉलेज है ब्रीफ नॉलेज है कम नॉलेज है देन कंसाइज ऑल्सो ओके चीप मीन्स सस्ता चीप मीन्स जो बिल्कुल चीप होता सस्ता होता आप बोल सकते हो इट्स वेरी चीप इन एक्सपेंसिव इन सेकेंड A word you can say inexpensive, cruel, जिसे बिल्कुल दया नहीं होती ओके अनकाइंड ईगर ईगर मतलब किसी भी काम को करने के लिए जब आप में उत्सुकता होती है तो उसको बोलते हैं ईगर उत्सुक पर्सन ईगर पर्सन यू कैन से ईगर कीन कीन मीनिंग सेम ओके फास्ट स्विफ्ट फास्ट मीन्स तेज और स्विफ्ट मीन्स भी तेज होता है ठीक है फेथफुल लॉयल ओके फेमस पॉपुलर एमिनेंट तो फेमस को आप एमिनेंट भी बोलते हो ठीक है ना जैसे फेथफुल पता आपको वफादार होता है तो लॉयल मीन्स भी वफादार ओके फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ यूजलेस इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट अनदर वर्ड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट लॉनली वॉट इज द मीन लॉनली अकेलापन इट मीन्स सॉलिटरी ओके मैड इनसैन मैड मीन्स पागल जिसको इंसान जिसे समझ नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं मैड इनसैन यू कैन से इन अनदर वर्ड इनसैन ऑल्सो मॉडर्न सॉरी दिस वन इज रॉन्ग मैड इनसैन पोलाइट contemporary okay modern means contemporary okay it's another word also contemporary okay polite courteous okay is a polite person hai courteous person hai you can say another word it's a very he is a very courteous person okay rich wealthy okay rough rough means jo khurdra hota hai jiska rough bilkul rough skin hoti hai se bolte hai na to coarse okay stop मीन्स रोकने के लिए होता है तो सीज मीन्स भी रोकना होता है ठीक है सफिशियंट मीन्स इनफ होता है ना सेम इनफ एडमिट मीन्स किसी चीज़ को स्वीकार करना कन्फेस करना जैसे आप किसी गलती को कन्फेस करते हो स्वीकार करते हो यू कैन से इन अनदर वर्ड ऑल्सो एडमिट ओके आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक्स कि मैंने अपनी मिस्टेक स्वीकार कर ली वीक मीन्स कमज़ोर होता है फीबल मीन्स कमज़ोर ओके So these are some synonyms you have to write in your notebook in good handwriting and learn also. Okay, so I hope you understood what is the meaning of synonyms and you have to learn also, students. Okay, students, your exam is coming soon. Okay,
सो सिलेबस विल बी गिवन, आपको दिया जाएगा ऑन योर ग्रुप ऑल्सो. सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग द एग्जाम्स. ओके, वॉट एवर सिलेबस यू विल बी गिवन, यू हैव टू लर्न. ओके, यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली. ओके स्टूडेंट्स, एंड यू कैन राइट एक्स्ट्रा सिनोनियम्स ऑल्सो. ओके, एटलीस्ट 50 सिनोनियम्स यू कैन राइट. ओके, इफ यू डोंट नो कि फ्रॉम वेयर वी विल टेक सिनोनियम्स, एक्स्ट्रा सिनोनियम्स. सो स्टूडेंट्स मे बी आई कि मैं भी तुम्हें मतलब कि ग्रुप पे एक्स्ट्रा सिनोनियम्स और आपको सेंड कर सकती हूँ. ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, सो यू डोंट राइट एक्स्ट्रा, ओनली दोज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड यू हैव टू राइट दैम इन गुड हैंड राइटिंग एंड लर्न दैम ऑल्सो. ओके, एंड एक्स्ट्रा वैन आई नीड, वैन आई फील, देन आई सेंड यू. ओके ओके स्टूडेंट, एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव रेड अबाउट द एडवर्ब्स, यू नो एडवर्ब्स. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, किसी भी तरह कोई डाउट हो आपको, यू कैन आस्क मी. लाइक सपोज यू आर गिवन सम एक्सरसाइजेज लाइक सर्कल, अगर आपको सब इस तरह की एक्सरसाइज होती है कि सर्कल करो, जो आपके एडवर्ब्स नहीं है उनको आपको सर्कल करना है, तो आप किस तरह से करना है आपको, तो ये आपको चूज करना है सर्कल द वर्ड विच आर विच विच डोंट match from other. Okay, आपको circle करना है, इस तरह से question दिया जाएगा. I don't know this is in your book or not. Okay, so but I am writing here. Okay, so let's see. Like play and twice, peacefully, and always. So student, you know very well ki which is not adverb. Okay, which is not adverb. So you know very well play is a verb. Okay, and twice, peacefully, and always, these are adverbs. So it is, this word is different from other. Okay, like never, here, on, outside, and there. So you can easily identify ki, sorry, यहाँ पे सपोज आपके वर्ड आता है, कोई भी वर्ब आ सकती है, कुछ भी आ सकता है. ठीक है ना, ईट, तो यू नो वेरी वेल नेवर इज एडवर्ब, हियर इज एडवर्ब, आउटसाइड इज एडवर्ब, एंड देयर इज ऑल्सो एडवर्ब. सो हियर ईट इज नॉट एडवर्ब. ओके, सो यू हैव टू सर्कल ईट, सर्कल द वर्ड. And student, before the exam I will take your revision class also, so in that video, okay, I will, मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको उसमें बताऊंगी किस तरह से आपको पेपर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में देने जा रही हूँ. ठीक है, सो स्टूडेंट यू हैव टू यू शुड बी रेडी, आपको रेडी होना है, एंड बिकॉज योर एग्जाम इज कमिंग सून,
सो प्लीज़ वट एवर आई मेक यू अंडरस्टैंड इन द वीडियो सो यू शुड वॉच द वीडियो केयरफुली. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.